1500 रुपये मेरे अकाउंट में किसने भेज दिए? मिला क्या फोन उनका? पता नहीं यार क्या हो रहा है, घंटी नहीं जा रही, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। मिल गया। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? अरे भैया फोन आपने किया है, आप बताओ किससे बात करनी है? वो मैडम आपके अकाउंट में ना अभी 1500 रुपये आए होंगे। हाँ 1500 रुपये तो आए हैं। मैडम वो पैसे मेरे आएंगे, मैंने अपने ठेकेदार से ना पैसे उधार लिए थे, वो एक दो नंबर बस गलत होने की वजह से वो गलती से आपके अकाउंट में चले गए। और मैडम अब वो ठेकेदार बोल रहा है कि जो नंबर तूने मुझे बताया था मैंने उस पे पैसे भेज दिए, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तू सामने वाले से बात करके खुद पैसे ले ले। मैडम मेरे पैसे दे दो। अरे भैया मुझे क्या पता पैसे आपके हैं किसी और के हैं, क्या लफड़ाएंगे? अगर आपके पैसे हैं ना भैया मेरे सामने आ जाओ और ले जाओ। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मुझे कैसे पता चलता आपके पास 1500 रुपये आए हैं? और मैडम रही सामने आने की बात, मैं सामने नहीं आ सकता मैडम, मेरी बीवी की बहुत तबीयत खराब है कि उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, इसीलिए मैंने ठेकेदार से पैसे उधार लिए थे। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैसे भेज दो मैडम। भैया किस नंबर पे पैसे भेजने हैं? इससे अपने कॉल करी होती पे भेजने हैं क्या? हाँ हाँ मैडम इसी नंबर पे करना है। ठीक है मैं अभी दे रही हूँ। पता नहीं कैसे बेवकूफ लोग हैं, बिना मतलब किसी के भी फोन में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं पहले, तो फिर बोलने लगते हैं कि मैडम पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। पता नहीं यार लोगों का भी, यही नंबर आया था ना इसका? हाँ यही था। 1500 रुपये करने हैं। 500। जोया अब पैसे आ रहे हैं। ये अकाउंट बैलेंस का मैसेज क्यों आ रहे हैं? ओह शिट, मेरा अकाउंट बैलेंस जीरो कैसे हो गया? इसमें तो लाखों रुपए थे, ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया? शिट ये तो जीरो है, ये कैसे हुआ? कहीं वो लिंक जो उसने मुझे भेजा था और मैंने क्लिक किया था, मेरा फोन भी हैंग हो गया था उसकी वजह से तो नहीं कुछ हुआ है? हेलो हेलो मैडम, हम हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहे हैं मगर आपने पैसे नहीं भेजे हैं। अरे भैया मैंने पैसे भेज तो दिए आपके पास। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं आए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, मैं आपको एक मैसेज भेज दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख लेना, मेरा अकाउंट बैलेंस जीरो आएगा। अरे भैया सुनो, अब ये क्या भेज रहा है मेरे पास, ये क्या लिंक है? इसमें बैंक अकाउंट तो दिख ही नहीं रहा, ये फोन क्यों हैंग हो गया मेरा? छोड़ यार मरने दे, इस बार मैं फोन ही नहीं उठाऊंगी इसका। पागल कहीं का पागल बना रहा है। जोया उसने लिंक पे क्लिक कर दिया, जल्दी लैपटॉप लेकर आ फटाफट। ये मेरे को दे, ये कोड बता मेरे को फटाफट। हाँ लिख। हाँ 5678। अबे इसके अकाउंट में देख कितना पैसा है। अबे इतना पैसा तो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा। जल्दी अकाउंट खाली कर इसका। अभी करता हूँ इसका अकाउंट खाली। हो गया अकाउंट खाली। ये चल 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 निकलते हैं यहाँ से। चल चल चल। लगता है मेरे साथ स्कैम हो गया। मेरी एक छोटी सी गलती के कारण मेरी मेहनत की सारी कमाई चली गई। हो जाओ सावधान, क्योंकि मार्केट में एक नया स्कैम आ चुका है। हम सभी लोग आजकल अपने बैंक अकाउंट को अपने UPI से कनेक्ट रखते हैं और इसी का फायदा ये स्कैम करने वाले लोग उठाते हैं। और इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे ये लोग इतने भोलापन दिखाकर इस लड़की के साथ स्कैम कर जाते हैं। अगर आपको ऐसे स्कैम से बचना है तो एक बात ध्यान रखना, आज के बाद आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो उसको पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं, उसको एक ही बात बोलनी है कि भाई तू मेरे सामने आ जा और अपने पैसे ले जा। क्योंकि सावधान रहोगे, सतर्क रहोगे, तभी आपका बैंक अकाउंट और आपके पैसे सेफ रहेंगे। जय हिंद।